भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया। 7 भारतीय पहुंचे दिल्ली, साल 2022 में इन्हें कतर ने गिरफ्तार किया गया था। 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में हुई थी फांसी की सजा, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों का दिखा असर। 7 भारतीयों की सकुशल वतन वापसी के फैसले का केंद्र ने स्वागत किया, विदेश मंत्रालय ने कहा हम कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। वतन पहुंच के पूर्व नौसैनिकों ने मोदी सरकार का आभार जताया, बोले इस पल के लिए 18 महीने इंतजार किया। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट, नीतीश कुमार के शक्ति प्रदर्शन में विपक्ष कर सकता है खेला। एनडी के कुल 6 विधायकों को संपर्क में नहीं रहने से बड़ी हलचल, बीजेपी विधायकों को होटल पाटलिपुत्र में ठहराया गया। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 3 और बीजेपी के 3 विधायक संपर्क में नहीं, कांग्रेस का दावा गिरेगी नीतीश कुमार की सरकार। होटल चाणक्य में ठहराए गए जेडीयू विधायक, फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी पारा हाई। पटना में सीएम आवास और राजभवन की बढ़ाई गई सुरक्षा, सियासी बयानबाजी अभी हुई तेज। हैदराबाद से पटना लौटे कांग्रेस के विधायकों का बयान, कहा नीतीश कुमार सदन का मुंह नहीं देखेंगे। आज टीम में फ्लोर टेस्ट से पहले कर रही खेला होने का दावा, रविवार रात से जीतन राम मांझी का फोन बंद। आरजेडी के पास वाम दलों के विधायकों का साथ, तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर ठहरे हुए सभी एमएलए। पटना में तेजस्वी के आवास पर भारी संख्या में सुरक्षा बल, आरजेडी समर्थक नीतीश सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। तेजस्वी के आवास पर क्रिकेट खेलते नजर आए विधायक, तेज प्रताप बॉलिंग करते दिखाई दिए। कल किसानों का दिल्ली चलो मार्च, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की जबरदस्त तैयारियां। किसानों को रोकने के लिए बनाए गए सीमेंट की दीवारें, कटीले तारों से हुई बैरिकेडिंग, जमीन पर बिछाए गए किले। राजधानी के कई इलाकों में धारा 144 लागू, आज से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ट्रैफिक डायवर्शन। रविवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सिंधु बॉर्डर पर कमर्शियल व्हीकल्स की आवाजाही पे बैन। धारा 144 11 फरवरी से 11 मार्च तक लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने टिकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर का जायजा लिया। आज रोजगार के मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 1 लाख से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। देशभर में 47 जगहों पर रोजगार मेला का आयोजन, सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। दिल्ली में कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण की करेंगे शुरुआत। कॉम्प्लेक्स के जरिए मिशन कर्मयोगी के सभी कार्यक्रमों को लाया जाएगा एक छत के नीचे। मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारियों को नैतिक मूल्यों के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। कल यूएई दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, अबुधाबी में बने भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। शानदार लाइटिंग में नहाया नजर आया मंदिर, अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पे बनाया है इसे। 20,000 वर्ग मीटर में बनके तैयार हुआ मंदिर, बसंत पंचमी के शुभ मौके पे होगा उद्घाटन। पाली में लाइट से रोशन हुआ ओम आकार का मंदिर, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर 4 साल गहन अध्ययन के बाद बनाया गया। यूपी सरकार के मंत्री विधायकों ने रामलला के दर्शन किए, सीएम योगी भी मौजूद रहे। रामलला दरबार पहुंचने से पहले पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए। सीएम योगी गोविंद देव गिरिजी महाराज के जन्मदिन पे आयोजित हुआ था महाउत्सव। 10 बसों में लखनऊ से अयोध्या आए विधायक और मंत्री, रास्ते भर बस में बजती रही रामधुन। यूपी के मंत्री और विधायकों के साथ सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, मंदिर परिसर में बैठ के पूजा पाठ किया। योगी आदित्यनाथ को देख के लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे, राममय हुआ माहौल।
कर्नाटक के मैंगलुरु दो दिवसीय पतंग उत्सव का समापन। हवा में रंग बिरंगी पतंगे बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। कार्टून कलाकारों की पतंगों ने बच्चों का मन लुभाया। पतंग उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुवाहाटी पहुंचे जापान के राजदूत, सीएम हेमंता से की मुलाकात। अहमदाबाद में रेसिंग लीग का आगाज हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने शुभारंभ किया। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गांव चलो अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की। राजकोट पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, इंग्लैंड के साथ यहां खेला जाएगा तीसरा टेस्ट मैच। हिमाचल में लोसर उत्सव की रौनक, उत्सव के दूसरे दिन नाश्ते गाते नजर आए लोग। 15 दिन तक चलता है लोसर उत्सव, लद्दाख की नए साल के रूप में मनाया जाता है। 15 दिन तक होती है देवी देवताओं की पूजा। राजस्थान के करौली में भगवान मदन मोहन की निकाली गई सिंहासन यात्रा, बड़ी संख्या में मंदिर में जुटे श्रद्धालु। रामगढ़ की चामी मुर्मू ने 30 लाख पौधे लगाने वाली महिला का खिताब अपने नाम किया। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर चामी महिला सशक्तिकरण के लिए कर रही हैं कई काम। मुंबई से रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, प्लेटफॉर्म पे नाश्ते गाते नजर आए राम भक्त। आस्था स्पेशल ट्रेन में सवार हैं 1500 से ज्यादा श्रद्धालु, अयोध्या पहुंच के करेंगे रामलला के दर्शन। ओडिशा के खोर्धा पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आईआईटी में स्टार्टअप पहल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। दौसा में आज भी जारी है 1150 साल पुरानी परंपरा, चांदी के रथ पर सवार होकर वन विहार को जाते भगवान रघुनाथ जी और नरसिंह जी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। हरियाणा से सुभाष बराला राज्यसभा के उम्मीदवार। बीजेपी ने बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह को राज्यसभा के उम्मीदवार बनाया। भीम सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वहीं वैश्य समाज सेड़ा से धर्मशीला गुप्ता। राज्यसभा के लिए मांझी का पत्ता साफ, एनडीए की 3 सीटों में से 2 पे बीजेपी ने उम्मीदवार दिए। 1 सीट पे जेडीयू के संजय झा को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का पत्ता कटा, सुशील मोदी का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिला राज्यसभा टिकट, उत्तराखंड से अनिल बलूनी की खत्म हो रहा है कार्यकाल।